नहीं है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बंद होने चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। तो गाइस फिर एक बार और इंडिया क्रिकेट टीम ने अपना झंडा गाड़ दिया है। इंडिया पाकिस्तान से जीत चुके हैं 7 विकेट से। बट गाइस काफी सारे इंडियंस एक चीज को लेकर काफी ज्यादा डिसएग्री हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जब पाकिस्तान टीम अहमदाबाद पहुंची थी तो उनका काफी अच्छे से एक ग्रैंड स्वागत किया गया था और उसी चीज को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि एक तरफ हमारे जवान बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से, काफी सारे लोग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच का बायकॉट भी कर रहे थे और इसी चीज को लेकर सार्थक भगत का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। रिजवान पर कोई एक्शन नहीं लिया, आईसीसी ले सकता था मोहम्मद रिजवान पे एक्शन, क्यों नहीं लिया मोहम्मद रिजवान पे? वो रिजवान जिसने जो है इजराइल के अगेंस्ट में जाके और आतंकवादी संगठनों का समर्थन किया, उनको सेंचुरी डेडिकेट की, ये वही आईसीसी है ना जिसने एमएस धोनी से हाथ से ग्लव्स उतरवा दिए थे आर्मी के साइन वाले, तो अब क्यों नहीं बोल रहा आईसीसीआई? और बीसीसीआई, आईसीसीआई की अर्निंग का 40% जो है वो बीसीसीआई लेता है, यानी सबसे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट क्रिकेटिंग बोर्ड है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, इसके बाद भी बीसीसीआई में इतना दम नहीं है कि वो इस चीज पे एक्शन ले सके? अरे बीसीसीआई एक्शन तो छोड़ो, आप तो ऊपर से उनको वेलकम कर रहे हो, उनको ऐसा वेलकम कर रहे हो, शॉल वॉल पहना रहे हो जैसे जंग जीत के आए होंगे। अरे कुछ समय पहले अनंतनाग में 3 भारतीय सैनिकों को इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा, 1 महीना भी नहीं होगा इस बात को। एक बात सुनिए जरा, जिस प्रकार से आप स्वागत कर रहे हो ना उन प्लेयर्स का, जब वो वीरगति को प्राप्त हुए जो हमारे सैनिक है उनके परिवार वाले देखेंगे जिनके बच्चों को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मरे हुए, उन पर क्या बीतेगी? वो माँ जब देखेगी जिसके बच्चे को उन आतंकवादियों ने मारा और उसी आतंकवादियों के देश के लोगों को तुम शॉल पहना रहे हो, उनके सामने गरबा करवा रहे हो, उनका फूल बरसा रहे हो, जिनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है उनको तुम बिरयानी खिला रहे हो। मेरे जैसे कितने लोग होंगे जिनको इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए ये टीआरपी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश के सैनिकों की जान इंपॉर्टेंट है। एक दिन के मैच की टीआरपी के लिए आप अलग अरेंजमेंट करा रहे हो, अरिजीत सिंह से गाना गवा रहे हो, अमिताभ बच्चन को बुला रहे हो, ऐसी बड़ी लाइटनिंग वाइटनिंग कर रहे हो ना। इंडिया पाकिस्तान की जो जंग है ना वो सिर्फ आर्मी तक सीमित है, सिविलियंस के लिए कोई जंग नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बंद होने चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, देश से बढ़कर कुछ भी। एक पाकिस्तान के अंकल का वीडियो भी एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वैसे तो ये वीडियो इंडिया का ही है, बट जैसे ही अंकल बोल रहे हैं कि जीतेगा भी जीतेगा, तभी वहाँ की पब्लिक बोल रही है इंडिया जीतेगा। आप खुद ही देखिए इस वीडियो को। जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। गाइस आपको पता ही होगा अभी के टाइम पर आए हुए हैं इंडिया आईसो स्पीड, उनका दिलेर मेहंदी का एक सॉन्ग काफी ज्यादा फेवरेट है, तुड़क तुड़क तू तनाना। इन्होंने काफी बार इस सॉन्ग को अपने वीडियोस वगैरह में भी यूज किया है। तो गाइस फाइनली आईसो स्पीड दिलेर मेहंदी से मिल लिए हैं, उन दोनों ने मिलकर वो सॉन्ग को रिपीट भी किया। गाइस अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को इस तरह के और अपडेट्स पाने के लिए, और बेल आइकन को ऑन कर